बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नर्सरी पर। आई होप यू विल बी फाइन एट होम स्टूडेंट्स। आज हमने जो लेटर्स सीखने हैं वो हैं एम एंड एन। वाओ, इट्स अ वेरी कलरफुल। आप एम की फॉर्मेशन देखते हैं कि एम कैसे लिखा हुआ है। स्टूडेंट, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लांटिंग लाइन एंड अदर स्लांटिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन, ये हमारा कौन सा एम है? कैपिटल एम। यहाँ पर आपको ये स्लांटिंग लाइन लग रही है, ठीक है, लेकिन हमने जो अपनी फॉर्मेशन में यूज़ करनी है वो स्टैंडिंग लाइन ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉल एम, जिसके लिए हमने यूज़ करनी है वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व एंड वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व एंड वन स्टैंडिंग लाइन। ये क्या है हमारा लेटर? स्मॉल एम। अब मैं आपको उसको कॉपी से थोड़ा सा बताती हूँ। पेज नंबर 32 पे आप देखिए, हमारे पास पहले वर्ड्स एंड पिक्चर्स दिए गए हैं। वाओ, इट्स वेरी कलरफुल। एम, एम का साउंड क्या? एम, क्या साउंड है एम का? एम। तो एम से मफी, मून, माउस। एम की फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि हमने जो कैपिटल एम है वो थ्री लाइंस में लिखा है और जो स्मॉल एम है वो हमारा मिड की टू लाइंस में है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसको लिखना भी बताती हूँ। एम जो है वन स्टैंडिंग लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि कितनी लाइंस में है? थ्री लाइंस में स्टैंडिंग लाइन, और थ्री लाइंस मींस टॉप, मिड, बॉटम। सो जो हमारी नेक्स्ट है स्लांटिंग लाइन, उसको हम यूज करेंगे टॉप टू बॉटम, नेक्स्ट बॉटम टू टॉप and another standing line, then small m, one standing line in middle, आप देख सकते हैं कि two lines में है mid वाली, one curve and one standing line, another curve, another standing line and small curve, again मेरे साथ practice करिए आप, one standing line, one slanting line, और आप देख रहे हैं कि जो भी एम का फॉर्मेशन है कैपिटल एम की वो थ्री लाइंस में है, अनदर स्लांटिंग लाइन एंड वन स्टैंडिंग लाइन। ये कौन सा हमारा एम है? कैपिटल एम। देन स्मॉल, वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्ल। एम की जो फॉर्मेशन है वो आपको समझ आ गई है कि हमने कैपिटल एम थ्री लाइंस में लिखना है, जो स्मॉल एम है वो हमने टू लाइंस में लिखना है। अब एम की हम बुक से रीडिंग करते हैं। ये आपकी ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश है, इस पर आप देख सकते हैं एम, और एम का मैंने साउंड क्या बताया था? एम, एम। तो एम से मैन, माउथ, माउस, मैट, मग, मैंगो। मेरे साथ अगेन आप इसकी रीडिंग करें। एम स्मॉल एम है, मैंने आपको इसकी फॉर्मेशन बताई थी, ये हमारा स्मॉल एम है और हम स्मॉल एम से ही बुक से रीडिंग करेंगे। एम, एम का साउंड क्या है? एम। मेरे साथ आप भी रिपीट करें, एम का साउंड क्या है? एम। एम मैन, माउथ, माउस, मैट, मग, मैंगो। एंड नेक्स्ट हमारा जो लेटर है वो है एन। एन ये तो बहुत ईजी है, हमने एम के बाद जो सीखना है वो है एन। एन के लिए हमने कौन सी लाइन यूज करनी है? फर्स्ट स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अदर स्टैंडिंग लाइन। स्टूडेंट्स, इट्स ईजी ना? सो ये हमारा है स्मॉल एन। कौन सा है? स्मॉल एन, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल कर्व एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल एन। अब हम इसकी कॉपी पे प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 34 पे आप देख सकते हैं कि एन से जो पिक्चर्स और जो वर्ड्स हैं वो लिखे हैं। तो एन का साउंड क्या? एन, तो एन नेट, नेट, नीडल, नेकलेस। अब इसकी
फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कैसे लिखने हैं. जैसे M हमारा थ्री लाइन्स में हमने लिखा था एज इट इज, ये भी कैपिटल लेटर N जो है हम थ्री लाइन्स में लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन जो कि टॉप टू बॉटम है आप देख सकते हैं, एंड वन स्टैंडिंग लाइन, वन स्टैंडिंग लाइन इन मिडल लाइन्स आप देखते हैं स्मॉल, एंड जो है मिडल वाली टू लाइन्स में है, स्मॉल कर्व स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व. इट्स इजी स्टूडेंट. स्टैंडिंग लाइन, वन स्लांटिंग लाइन एंड अदर स्टैंडिंग लाइन. आपने जब इसकी प्रैक्टिस करनी है एज इट इज लाइन्स में लिखना है, नीटली लिखना है आपने. वन स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व, वन स्टैंडिंग लाइन एंड स्मॉल कर्व, ये क्या है हमारा कैपिटल एन एंड स्मॉल एन. स्टूडेंट अब मैं आपको इसकी बुक से रीडिंग करवाती हूँ. एन का साउंड क्या था मुझे जल्दी से बताएं आप. एन एन तो ये कौन सा हमारा स्मॉल एन, जो कि स्टैंडिंग लाइन स्मॉल कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन. तो हम बुक से भी स्मॉल एन से रीडिंग करेंगे. तो एन का साउंड एक दफ़ा फिर से अपने माइंड में लाएं. एन एन ना नेट, नट नंबर्स, नेल नेस्ट नोज. अगेन मेरे सब रीडिंग करें. एन का क्या साउंड है नेट नट नंबर्स नेल नेस्ट नोज. आई होप स्टूडेंट्स आपको एम और एन पढ़ना और इसकी प्रैक्टिस करना भी आ गई होगी. आप अपनी रफ कॉपीज पे वाइट बोर्ड पे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आपको नीटली लिखना आएगा. अल्लाह हाफिज़.